हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमएल ट्रांसफॉर्मेशन। इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे जो आपको एएमएल केवाईसी एंड फ्रॉड कॉन्सेप्ट्स को समझने, साथ ही साथ इसके इंटरव्यूज क्रैक करने में भी हेल्प करेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर से, साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। इन वीडियोज को इंटरव्यू लेवल के लिए बनाया गया है। बहुत लोगों को इन वीडियोज से हेल्प मिली है, उनके एएमएल केवाईसी एंड फ्रॉड इंटरव्यूज क्लियर हुए हैं, साथ ही साथ उनकी टेस्टिमोनीज एंड सक्सेस स्टोरीज भी इस चैनल पे अवेलेबल है। सो प्लीज गो अहेड एंड हैव अ लुक ऑन टू इट। तो आज हम बात कर रहे हैं आशीष जी के बारे में। इन्होंने हमारे एएमएल ट्रांसफॉर्मेशन जुलाई 2023 में ज्वाइन किया था। इनकी फुल टाइम जॉब है, फोन बैंकिंग में भी काम कर चुके हैं ये, तो इनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि ये पढ़ाई कर पाए, जो भी कर पाए। प्लस इनकी शिफ्ट भी नाइट की थी और रोटेशनल शिफ्ट थी, तो इनको टाइम इतना नहीं मिल पा रहा था। साथ ही साथ एक और चैलेंज था इनको कि इनका नोटिस पीरियड इज 90 डेज। 90 डेज इज अ बिग चैलेंज। इनको हमारे बारे में यूट्यूब से पता चला था। इनकी लोकेशन है दिल्ली NCR। इनको अराउंड 4 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, जो फोन बैंकिंग, हेल्थ केयर में ही बैकएंड में थे, तो ऐसा मल्टीपल एक्सपीरियंस है उनको। और इनकी प्रीवियस जो एम्प्लॉयर थी उसका नाम एच से शुरू होता है और इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है। अभी इनकी क्या क्या प्रॉब्लम इनको फेस हुई जब ये जॉब खोज रहे थे। पहली बात तो इनको जब ये जॉब खोज रहे थे, इनको बैंकिंग के अलावा दूसरी कोई जॉब का ऑफर नहीं आ रहा था। और बैंकिंग जॉब के ऑफर्स भी आ रहे थे उनको, तो बैंकिंग जॉब के साथ वो सेल्स का भी रहता है। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये अभी थोड़ा सैचुरेटेड हो चुके थे बिकॉज ही वॉज फ्रॉम फोन बैंकिंग। अब फोन बैंकिंग में इसका प्रेशर रहता है कि हर कॉल को आपको उसमें कुछ ना कुछ रेवेन्यू या उसको कुछ ना कुछ दूसरे सोर्स में आपको कन्वर्ट करना है। हमको अभी फोन बैंकिंग से कॉल आता है, आपको पता ही होगा कि वो प्रोडक्ट के फीचर्स बताता है, ट्राई करता है कि हम प्रोडक्ट वो ले लें एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो उनको जो भी कॉल्स आ रहे थे वो सेल्स के साथ रिलेटेड था, जो उनको चेंज करना था। साथ ही साथ इनको AML KYC के बारे में बेसिक नॉलेज थी सिंस ही वॉज वर्किंग इन अ बैंक, बट इंटरनेशनल AML, इंटरनेशनल KYC इनके रिगार्डिंग इनको सच में क्लैरिटी नहीं थी, तो दैट वॉज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। एंड लास्ट, ये MNC इंटरव्यूज अटेंड करने में कॉन्फिडेंट नहीं थे। कोई भी वॉकिन है या कहीं पे कुछ कॉल्स चल रहे हैं या कहीं पे रिज्यूमे अप्लाई करना है, ये इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे वहाँ अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इनका नॉलेज गैप भी था और इनको ये श्योर नहीं थे व्हाट दे विल गो एंड से, बिकॉज इनको फोन बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, इनको इन रियलिटी KYC में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं था। हाय आशीष, वेलकम टू AML ट्रांसफॉर्मेशन सेशन। कैसे हैं आप? हेलो राहुल, मैं अच्छा हूँ। राहुल, ठीक है आप कैसे आशीष? हैं? तो मैं ठीक हूँ आशीष। तो एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, ग्रुप सेशन से वन टू वन सेशन में आके आपको कैसा लग रहा है? और बहुत ही अच्छा लग रहा है ग्रुप सेशन से वन टू वन सेशन में आने, और जो भी लाइव एक्सपीरियंस मैं अपना आपसे शेयर करूंगा और बाकी जो भी लोग सुनेंगे। जी थैंक यू आशीष जी। तो सबके लिए फॉर ऑल से प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप। प्लीज प्लीज गो अहेड। मेरा नाम आशीष है, मैं दिल्ली से हूँ, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन 2018 किया है। मैंने बीटेक कंप्लीट किया है 2018 में, उसके बाद मैंने 1 ईयर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की थी और मुझे 3 ईयर्स का फोन बैंकिंग में एक्सपीरियंस है, जिसमें 1 ईयर का मैंने येस बैंक में काम किया है और 2 ईयर मैंने HDFC बैंक में एज अ फोन बैंकर वर्क किया है। ओके और करेंटली मेरा अभी MNC में सिलेक्शन हो गया है एज ए ईमेल एसोसिएट, और ठीक है। अभी मुझे इसमें ज्वाइन किए 1 वीक हुआ है, जो कि नोएडा लोकेशन के लिए है। ओके तो आशीष जी, आप दिल्ली से ही हैं? आपकी स्कूलिंग वगैरह, कॉलेज वगैरह भी दिल्ली से ही हुई है? हाँ, स्कूल मेरा दिल्ली में था और मेरा कॉलेज भी दिल्ली NCR में था। अच्छा आशीष जी, तो जैसे आपने बताया आपने इनिशियली स्टार्टिंग फोन बैंकिंग में की है, और आप MNC ज्वाइन करने से पहले फोन बैंकिंग में ही थे कि रिटेल में थे? नहीं, मैं फोन बैंकिंग में था, मैंने ज्वाइन करने से पहले अच्छा, भी तो आपने रिटेल फोन में ही बैंकिंग था। का टोटल बैंकिंग का एक्सपीरियंस कितना है आपका? टोटल राहुल सर, मुझे 3 ईयर्स का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। जी। तो सर जी एक चीज मेरे को बताओ, आप तो 3 साल बैंकिंग फोन बैंकिंग में काम कर रहे थे, सब सही चल रहा था, तो प्रॉब्लम क्या हुई कि आप नया जॉब खोजने के लिए निकल गए? आप क्या हो गया? प्रॉब्लम राहुल ये हुई कि इनिशियली जब एज अ फोन बैंकिंग में मैंने ज्वाइन किया था 2021 में, तो स्टार्टिंग में तो क्या होता था, ऑपरेशन वर्क होता था इनिशियली मैंने 6 मंथ्स। तो उसके बाद उन्होंने क्रॉस सेल्स के टारगेट देने लग गए थे मुझे और बाकी अदर टीम्स को, और फोर्स करने लगे थे कि आप क्रॉस सेल करना है, इतना टारगेट अचीव करना है पर डे बेसिस पे, इतना आपको लोन्स एक्टिवेट कराने हैं, इतना आपको पर्सनल लोन और बाकी इंश्योरेंस पॉलिसी और भी बहुत सारे टारगेट्स रहते हैं वो अचीव करने होते हैं, और वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, ओवर टाइम करना पड़ रहा था।
और फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, और वही है 9-10 घंटे की शिफ्ट हो रही थी, नए चैलेंज आ रहे थे। और बाकी फोन बैंकिंग में ये रहता है कि कस्टमर्स का भी बहुत प्रेशर होता है, कॉल्स का भी बहुत प्रेशर होता है, इसमें टॉक टाइम देना है, इसमें एसी रहता है वो भी रहता है प्रेशर, साथ में क्रॉस सेल भी करनी पड़ती है हर कॉल्स पे, और बाकी क्रेडिट कार्ड भी करना हो गया उसमें, बहुत सारे उसमें डेली बेसिस पे टारगेट अचीव करने होते हैं, तो ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है अच्छा, तो मोस्टली इस। पहले इनिशियली 1 साल आपका ऑपरेशन का ही काम मिला फोन बैंकिंग में, लेकिन बाद में जैसे आप पे बहुत ज्यादा क्रॉस सेल के ऑप्शन आने लगे, कस्टमर को प्रोडक्ट बेचो, कार्ड बेचो, लोन एक्टिवेट करवाओ, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस हैम्पर हो रहा था, 10-12 घंटे ओवर टाइम हो रहा था, इसकी वजह से आप दूसरी जॉब खोजने के लिए गए, राइट? अच्छा बेसिकली मैं बैकएंड जॉब सर्च कर रहा था, अच्छा अब मुझे नहीं ठीक पता था कि ईमेल केवाईसी में जाना होगा, वो तो मैंने आपके सर्च किया था, कोई भी जैसे बैकएंड रिलेटेड वर्क हो आपके चैनल में चेक देखा कि ईमेल केवाईसी से, जैसे बैंक भी वर्क होता है ईमेल में और केवाईसी में भी रहता है, तो मैंने आपका जैसे ग्रुप देखा, आप यूट्यूब वीडियोज देखे, फिर आपका कॉन्टैक्ट मिला मुझे और आपके पेज मैंने रजिस्टर किया, उसके बाद आपसे मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन मिली। ठीक है आशीष, थैंक्स फॉर दैट। सो आशीष जी, आपको तो यूट्यूब से हमारे बारे में पता चला, तो ये सब प्रॉब्लम हमने देखी आपको जो फेस कर रहे थे। तो जब आप खोज रहे थे जॉब, सिंस यू ऑलरेडी वेंट टू यूट्यूब और आपको बैकएंड जॉब में एएमएल केवाईसी के बारे में पता चला, तो जब आप जॉब सर्च कर रहे थे तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी आपको? व्हाट वाज द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग व्हेन यू सर्चिंग फॉर जॉब? इनिशियली जैसे मैं जॉब सर्च कर रहा था जो आपसे मिलने से पहले, तो उसमें एक तो रिज्यूम बिल्डिंग का प्रॉब्लम आ रहा था मेनली, जैसे कि है जो मुझे भी कॉल्स आ रही थी ना वो कॉलिंग प्रोफाइल की आ रही थी, ठीक है, और उसमें मुझे इंटरनेशनल में जाना था, इंटरनेशनल प्रोसेस में, तो बेसिकली मुझे डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस था स्टार्टिंग से, तो जो रिज्यूम है शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा था इसकी वजह से, तो जो भी जैसे कॉल्स आते थे वो पूछते थे कि आपके पास इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस है कहीं किसी भी इंटरनेशनल बैंकिंग का या किसी भी प्रोसेस का, तो मुझे वहीं पर ही रिजेक्शन हो जा रहा था रिज्यूम, आगे फिर रिज्यूम फॉरवर्ड नहीं करते थे, मेन ये प्रॉब्लम आ रही थी जिसमें इंटरनेशनल के वाई सी की नॉलेज चाहिए थी इनको और मुझे था डोमेस्टिक के वाई सी का नॉलेज, बेसिकली वही प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था कि उसमें मुझे उसमें कि आप, उसके बाद जैसे आपसे कांटेक्ट हुआ तो आपने रिज्यूम बिल्डिंग में भी हेल्प किया और बताया कैसे आगे आपको ठीक है, प्रिपरेशन करना है। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो आपको इंटरनेशनल जॉब चाहिए थे, लेकिन आपको कॉल्स अगर जो भी आ रहे थे डोमेस्टिक के ही आ रहे थे, तो आपको इंटरनेशनल चाहिए था, प्लस रिज्यूमे बिल्डिंग में भी आपको हेल्प चाहिए थी, क्योंकि आपका रिज्यूमे से आपको जो कॉल्स आपको चाहिए थे वो नहीं आ रहे थे। ठीक है, और सिंस ऑलरेडी आप फोन बैंकिंग में थे, आपको लग रहा था आज नहीं तो कल किसी दूसरे फोन बैंकिंग में भी जाऊंगा, वहां पे भी सेल्स आएगा ही आएगा। फोन बैंकिंग में सेल्स होता ही होता है, हमको भी कॉल्स आते हैं ना, आपको भी कॉल्स आते होंगे अच्छी रेट पे, तो फोन बैकिंग में सेल्स तो है ही है। ठीक है, तो मेंसली एक सेल्स वाली जो प्रॉब्लम थी वो आप एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है, और सेल्स नहीं, बहुत सेल्स हो गया। ठीक है, तो अगर उसके आगे जाए तो आपने जब लिंक्डइन पे या कहीं भी आप जब जॉब सर्च कर रहे थे, जो भी आपको मटेरियल ऑनलाइन मिल रहा था मेरे अलावा, तो वो क्या सफिशियंट था? क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत लोग हैं जो कोर्सेज ऑफर करते हैं, बहुत सारे मटेरियल लिंक्डइन पे भी घूम रहे हैं, तो क्या वो सब सफिशिएंट है कि आप मेरा कोर्स ही आपको सही लगा या क्या लगा? आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं मैं इसमें। इसमें मैं जैसे कि जॉब सर्च कर रहा था उस टाइम पे और जो भी कंटेंट मैंने चेक किया तो वो रिलेवेंट कंटेंट नहीं था, अब उसमें क्या है कि बहुत ही ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मैंने कोर्स सर्च किया था कि जो एक प्लेटफॉर्म है जो आपको पता होगा, तो उसमें उन्होंने कोर्स की फीस भी बताई थी काफ़ी ज़्यादा थी, और वो पूरा कोर्स से रिलेटेड बता रहे थे, तो उसमें रिलेवेंट जो भी टॉपिक्स थे वो नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि इतना तो सब बहुत ज़्यादा वो एक्सप्लेन कर रहे हैं उस बारे में के, और जो कि सिर्फ उसमें इंटरनेशनल के वैसे नॉलेज चाहिए और जो भी रिलेवेंट उसमें हमें नॉलेज चाहिए वो नहीं वो उसमें एक्सप्लेन कर रहे थे, और अच्छा बाकी और भी सारे यूट्यूबर्स हैं जो पढ़ाते हैं इस बारे में, लेकिन वो है कि उसमें वो सिर्फ सर्टिफिकेशन के से रिलेटेड पढ़ाते हैं कि जितना आप सर्टिफिकेशन क्लियर कर लो, कोई भी जैसे इंटरनेशनल का सर्टिफिकेशन है, एक कैम्स हो गया, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, बस वो उतना ही पढ़ाते हैं, उसके बाद जॉब कैसे लगेगा, कैसे प्रिपरेशन करना है इंटरव्यू के लिए, रिज्यूम कैसे बिल्ड करना है, क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको क्या इसमें असेसमेंट्स होते हैं इनके, तो वो नहीं बताते हैं और इसमें अच्छा कितना फिर वही मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था। अच्छा तो मोस्टली जो भी दूसरे लिंक्डइन या ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो सर्टिफिकेशन पे सारा एम्फोसिस देते हैं कि सर्टिफिकेशन कर लो आपको सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नौकरी नौकरी फिर आपको कैसे इंटरव्यू देना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इतने एम्फोसिस नहीं होती है जो आपको प्रॉब्लम आई और सब कोर्सेज में, करेक्ट? हाँ करेक्ट है, मुझे अच्छा, तो आशीष जी आप एएमएल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कब जुड़े हैं अंदाजन, अप्रॉक्स? मैं एमए ट्रांसफॉर्मेशन से जनवरी से जुड़ा हूँ, जनवरी जनवरी से जुड़े हैं। 2024 से, हाँ, अच्छा उसके बाद मैंने बीच में क्लास ली भी, ड्रॉप भी हो गई थी क्लास में, जैसे हाँ कि आपकी क्लासेस हो गई थी, मैं लाइव क्लास ले नहीं पाता था क्योंकि मेरा शिफ्ट हाँ टाइम जो होता था और रोटेशन चलता था, तो मैं आपके जो भी मोस्टली मैं रिकॉर्डेड सेशंस ही देता था,
और कुछ भी डाउट होता था वो आपसे मैं पूछ लेता कॉल पे, और पढ़ लेता था आगे क्लियर कर लेता था। जी, ये तो मैं भी जानता हूँ, आप बीच में आपने ड्रॉप ले लिया था बिकॉज आप नहीं आ पा रहे थे ड्यू टू सम वर्कलोड। ये होता सबके लाइफ में ही होता है वर्कलोड। जैसे मैं अभी रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, ये अल्टरनेटिव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ बिकॉज अभी थोड़ा वर्कलोड है मेरे पास, तो मैं ओनली वीकेंड ही ले रहा हूँ। और वीकेंड में भी मेरे को कभी कभी इशू, आज जैसे मेरे को काम है ऑफिस का थोड़ा, तो तब भी मैं मैनेज करके थोड़ा बहुत ले रहा हूँ बिकॉज आज नहीं करूंगा तो और किस दिन करूंगा। ठीक है, तो रहता है ऑफिस का काम रहता है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आपने भी जो ब्रेक लिया इट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी एफर्ट्स की वजह से आज आप एक एमएनसी में काम कर रहे हैं इन एएमएल के बेसिस पे। सो कांग्रेचुलेशन ऑन टू दैट। थैंक यू तो सो मच राहुल। हाँ, तो आपको एएमएल ट्रांसफॉर्मेशन से क्या क्या हेल्प मिली ये बता सकता है? क्या क्या हेल्प मिली एएमएल ट्रांसफॉर्मेशन से? श्योर राहुल, ईमेल ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे बेसिकली इंटरनेशनल केवाईसी के बारे में पता चला। ठीक है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल केवाईसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, और जैसे यूएसए के बैंक्स में क्या उनके रूल्स रहते हैं, क्या उनका फ्रेमवर्क रहता है वर्किंग का। ठीक, और उसमें बेसिकली मुझे जो भी रिलेवेंट कंटेंट है वो मुझे मिला, इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे आंसर करना है और मुझे कैसे उसमें प्रैक्टिस करना है आगे, फिर जो भी फर्दर उसमें रिक्वायरमेंट है जैसे जो अभी कोई प्रोफाइल है तो उससे अकॉर्डिंग मुझे कैसे रिज्यूम अपना बिल्ड करना है। ठीक, उसके बाद मुझे अपना नौकरी पे अपना प्रोफाइल बिल्ड किया। ठीक, लिंक्डइन भी मैंने अपना प्रोफाइल क्रिएट करा जैसे आपने नौकरी पे किया। उसके बाद जो भी फर्दर आपने जो कंटेंट शेयर किया उसमें क्या रिलेवेंट टॉपिक्स है मुझे पढ़ने, किसी भी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वो आपने मुझे बताया। ठीक है, और फिर कोई भी डाउट होता था असेसमेंट से रिलेटेड वो आपने मुझे पूरा क्लियर किया, और भी आपने क्वेश्चंस बताए थे तो भी इंटरव्यू पूछे जाते हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग बेसिक से लेके एडवांस तक आपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, और एंड ऑफ द डे आपने मेरी जॉब दिलाने में मदद की, मैं तो यही कहूँगा। नहीं देखो यार, आपको जॉब मिली है इस पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेरा इस पे 10% एफर्ट रहा है, 90% एफर्ट आपका रहा है। क्योंकि अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, नहीं होगा। मेरे पढ़ाने से क्या होता है, इंटरव्यू तो आपको देना है राइट, वो 5 मिनट में आपको जो भी आपने 1 महीने में 2 महीने में 6 महीने में पढ़ा है आप ही को डिलीवर करना है। हाँ मैं मानता हूँ मेरा थोड़ा सा एफर्ट रहा है, लेकिन इसमें 99% आपका ही एफर्ट है, वरना नहीं होता राइट। आपका इसमें एफर्ट है, इसलिए आप आज बैंकिंग ना करके आप दूसरी जगह पे जॉब कर रहे हो, दैट द मेन थिंग। ये हाँ मैं, यस राहुल, ये तो बाकी है ही है। अब एक और मैं और जो से भी बोलो बोलो। बाकी जैसे जो भी आपने कंटेंट हमें डिलीवर किया वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड था, बहुत इजी लैंग्वेज में था, कोई भी उसको आसानी से पढ़ सकता है समझ सकता है, कोई भी ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं थी उसमें पढ़ने में। क्योंकि अगर हम जैसे एकेएम से बुक्स रेफर करते हैं उसमें बहुत ही जो वर्ड्स ही हैं बहुत डिफिकल्ट भी, तो कोई भी नॉर्मल पर्सन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो आपने अपने सिंपल लैंग्वेज में हमें समझाया और आगे से डिलीवर किया, तो बहुत ही हमारे लिए ईजी हो गया उसको आगे समझना। एक्चुअली ये प्रॉब्लम मैं खुद फेस कर चुका हूँ, मैं खुद भी बैंकिंग का पार्ट रह चुका हूँ, इसलिए मेरे को, क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे एक ट्रेनिंग ली थी जब मैं भी बैंकिंग में था ना, तो वो मेरे को जो पढ़ाता था ना, मेरे को आधे घंटे में भूल जाता था क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो कुछ पढ़ाया जा रहा है, मैं सुने जा रहा हूँ, क्या क्या रहा है ये समझ में, जब तक समझ में नहीं आएगा आप डिलीवर कैसे करोगे? थोड़ी ना यार ग्रेजुएशन के दिन चल रहे हैं कि आप कोई भी कोर्स उठा के पढ़ लो समझ में आ जाएगा। अभी ऑलरेडी सब लोग नौकरी कर चुके हैं, दिमाग सैचुरेटेड है, सब सैचुरेटेड है। आप इसमें एक नया चीज पढ़ाओगे समझ में नहीं आ रहा है और उसको बोलोगे इंटरव्यू देने के लिए, थोड़ी ना ऐसा नहीं होता ना। इसलिए मैंने कंटेंट को थोड़ा चेंज किया, रिफाइन किया और सिंपल बनाया ताकि सबको समझ में आए और लोग उसका यूज कर पाए। ये एक वो बन के ना रह जाए कि ओनली अगर आप एक एम्स करोगे जॉब मिलेगी, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आशीष जी, जो आज की डेट में मार्केट में 40,000 50,000 के सर्टिफिकेशन है एक एम्स से 3 लाख रुपए का, क्या ये सब करना मैंडेटरी है अगर किसी को एएमएल केवाईसी या बैकएंड जॉब चाहिए? आपका ओपिनियन क्या है इस पर? नहीं, ऐसा मैंडेटरी तो नहीं है, अगर आपको कोई भी एएमएल केवाईसी में जॉब चाहिए तो कोई भी ऐसा कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और बेसिकली जो भी इंटरव्यू पूछा जाता है तो उसके लिए आपको आप प्रिपेयर होने चाहिए, और जो भी आपने आपका जो रिज्यूम बना हुआ है उसमें रिज्यूम में आपको एग्जैक्टली उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है तो वही आपको उसमें होना चाहिए रिज्यूम में। ठीक है, और साथ अच्छा ही आपका नौकरी नौकरी प्रोफाइल भी स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिकली ऐसा कोई आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं जैसे कि IABF से कर सकते हैं, आप जो भी हमारे एएमएल के वैसे सर्टिफिकेशन होते हैं वो रिज्यूम बिल्डिंग में आपको हेल्प करेगा। लेकिन ऐसा कोई एक कैंप्स का या अदर कोई भी जो भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स है उनसे कोई भी कोर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पहले एक बार अच्छा जॉब ले लीजिए, उसके बाद अब एक्सपीरियंस हो जाएगा उस पर आप कर सकते हैं कोई भी सर्टिफिकेशन। फिर मेनली क्या होता है कि जो कंपनी वर्क होता है और जो सर्टिफिकेशन कराते हैं वो उसमें डिफरेंस होता है। सर्टिफिकेशन तो कर ही सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि गारंटी जॉब मिल ही जाएगा उसके लिए। हाँ, क्योंकि इंटरव्यू में तो क्वेश्चन वो आपसे जॉब से आपसे एक्सपीरियंस रिलेटेड पूछेंगे, जो आपने पिछले जो भी आपका लास्ट वर्क एक्सपीरियंस है उस रिलेटेड पूछते हैं, आपने क्या वर्क किया है, कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। और सर्टिफिकेशन बेसिकली थ्योरेटिकल रहता है सब कुछ, तो वो तो आपको क्लियर करना ही पड़ता है इंटरव्यू में जो भी आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ये बेस आप इसमें कोई भी सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं रहता।
अच्छा, तो आपकी ओपिनियन में ये है कि मैंडेटरी ए कैम्स वगैरह सर्टिफिकेशन करना जॉब पाने के लिए इतना मैटर नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में वही पूछेगा जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, और ए कैम्स में यस बहुत कुछ चीजें कवर होती है। आफ्टर यू गेट इनटू ए जॉब, आप जान लीजिए जॉब में क्या है नहीं है, उसके बाद आप ए कैम्स करिए, दैट इज योर ओपिनियन। और जॉब पाने के लिए आपको मैंडेटरी 2-3 लाख रुपए या 40,000 रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अगर IIBF से भी करोगे तो काम चल जाएगा, दैट इज योर ओपिनियन, राइट? यस राहुल मैं भी एक्चुअली यही मानता हूँ। जो मार्केट में अभी लोग ए कैम्स कराने के लिए, ए कैम्स की ट्रेनिंग के लिए तो लोग 40,000 रुपये ले रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, है मार्केट में बहुत सारे लोग जो ए कैम्स की ट्रेनिंग के लिए 40,000 रुपये ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको ए कैम्स अलग से और देना है, उसके लिए 3 लाख रुपये देना है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ए कैम्स करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है आपको जॉब मिलेगी। आई हैव सीन सच पीपल जो बैंकिंग से है, जिन्होंने ए कैम्स किया हुआ है बट दे हैव नॉट गॉट ए जॉब, आई नो सच पीपल, और मैं उनके साथ टच में हूँ, उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं, पर वो भी अभी थोड़ा टेंशन में आ गया कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जॉब नहीं मिला तो क्या मेरे साथ आने के बाद जॉब मिलेगा। दे स्टिल नॉट वेरी मच कन्विंस, बिकॉज भाई अगर कोई 3 लाख 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है लोन लेके फिर भी हाँ जॉब नहीं मिली, तो भाई थोड़ा तो डाउट होना शुरू हो ही जाता है, राइट? तो ये बात है, हाँ श्योर तो राहुल बिल्कुल ये होती है, ये बात ही है। तो राहुल आशीष, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन पूछूंगा। तो अभी जो लिंक्डइन पे रेफरल का सीन चलता है कि आप रेफर कर दो किसी को जॉब मिल जाएगी, रेफरल के लिए पे कर दो 500 रुपए तो आपको जॉब मिल जाएगी, इस पे आपका क्या कमेंट्स है? रेफरल काम करता है या उसके लिए पे करना सही है, आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, जैसे कि आजकल लिंक्डइन पे रेफरल का चल रहा है, तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो कंपनी में वर्क कर रहे हैं, आप लोग क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, तो उनको आप रिज्यूम शेयर कर सकते हो। लेकिन जैसे अगर आप कुछ अमाउंट पे करके और फिर वो आपको रेफर करेगा और आप उनके फिर उन पर डिपेंड रह जाते हो कि आपको वो जॉब लगवाएगा, तो ऐसे में कोई भी गारंटी नहीं कि आपको जॉब लग ही जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका रिज्यूम कैसा है, आपका इंटरव्यू कैसे जाता है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको आपको रेफर करेंगे तभी आपको जॉब लगेगा। क्योंकि मुझे भी काफ़ी लोगों ने रेफर किया था एमएनसीज में, लेकिन मेरा भी कोई भी ऐसा कॉल नहीं आया मुझे, कहीं से भी कोई भी मेल नहीं आया। तो मैंने खुद से फिर जॉब सर्च करा, नौकरी अपना प्रोफाइल बिल्ड करा, आगे फिर भी कंपनीज की वेबसाइट पर जाके अप्लाई किया, तभी जाके रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। वो फिर वो तो आप रेफर कर देंगे, लेकिन अगर आपका रिज्यूम रिलेवेंट नहीं होगा, उनको प्रोफाइल नहीं लगेगा आपका रिलेवेंट है, तो फिर वो आपको कॉल नहीं करेंगे। अगर आपका उसमें रिज्यूम अच्छा होगा, आपने अगर प्रोफाइल अच्छा बिल्ड किया होगा, तो आपको खुद ही कॉल्स आते हैं। और बाकी क्या रहता है, कॉल्स तो ऐसा नहीं कि आपको स्टार्टिंग से आने लग जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। आपको एक एक कॉल आएगा, फिर दूसरा कॉल आएगा, फिर रिजेक्शन होगा, 3-4 इंटरव्यू देने के बाद फिर आपको उसमें सिलेक्शन होता है। तो मेरा भी जी इसमें, जी क्योंकि मैंने भी 4 इंटरव्यू दिए थे, तो फर्स्ट राउंड में तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जब इंटरव्यू दिया था मैंने, बाकी KPMG से कॉल आया था और अदर कोर्स से, तो मेरा वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो पाया था। और फिर उसके बाद मैंने लास्ट में जो भी ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया एमएनसी में, जो कि दिल्ली NCR में ही है। तो रेफरल का तो कोई ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आपको रेफर करेंगे, क्योंकि अमाउंट पे करने के बाद ही आपको जॉब लग जाएगा। तो आपके हिसाब से ये है कि रेफरल अच्छे होते हैं पर इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी, और पेड रेफरल्स आर नॉट गुड। साथ ही साथ हाँ ये सब कुछ रिजेक्शंस तो होता है, उसके बाद ही आपकी सिलेक्शन होती है, क्योंकि रिजेक्शन नहीं होगा तो आपको पता नहीं लगने वाला कि अब वो आपको क्या पूछने वाले हैं इंटरव्यू में, ठीक है? आई हाँ यस कंप्लीटली एग्री राहुल विथ यू आशीष जी, कंप्लीटली एग्री विथ यू। और रेफरल से ना लोगों को बड़ी होप लग जाती है कि हाँ जॉब लग जाएगी। रेफरल्स होने से क्या हुआ, अगर आपका रेज्यूमे ठीक ठाक नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, तो जॉब कैसे लगेगी? हाँ वो नहीं लगेगा ना, वहीं पर अटक जाएगा हाँ ना आपका। राहुल तो ठीक है, आई थैंक्स फॉर योर फीडबैक आशीष जी। तो पहले आप कहाँ जॉब करते थे और आपकी नोटिस पीरियड क्या थी, और अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं आशीष जी? मेरी जो लास्ट कंपनी थी वो HDFC में वर्किंग था मैं, जिसमें मेरा नोटिस पीरियड उस टाइम पे तो 3 मंथ्स का था जो मैंने सर्व किया, लेकिन अभी तो वहाँ पे नोटिस पीरियड कम हो गया, 1 मंथ हो गया, ठीक है। उससे पहले मैंने यस बैंक में काम किया है 1 ईयर, और अभी मैं करेंटली इंडियन आर्मी कंपनी है ओपी सर्विसेज, वहाँ पे मैं वर्किंग हूँ अभी, जिसमें कि मुझे इंटरनेशनल UAE का प्रोसेस मिला है एज ए ED डिपार्टमेंट में। ओके, तो आप डायरेक्ट अभी HDFC से निकल के EDD कर रहे हैं, यस इंटरनेशनल? हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है, यही एक्चुअली लोगों का, क्योंकि सेल्स का ना अभी सेचुरेशन आ चुका है, ये अभी एकदम सही नहीं है, अभी बहुत ज्यादा सेचुरेशन आ चुका है सेल्स के ऊपर, अब उस पर कुछ नहीं हो हाँ सकता। हाँ तो यस इन्वायरमेंट राहुल, क्योंकि भी, आजकल ऑनलाइन हो गया, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, प्लीज गो। क्योंकि आजकल सर ऑनलाइन हो गया ना राहुल, तो कोई भी कॉल से अपने, अगर आप सेल्स भी करते हो तो कोई भी किसी के पास टाइम नहीं है, कोई आपकी कॉल भी करके आपकी प्लान्स समझेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा, तो ये हो गया आज के टाइम में। जब कस्टमर के पास टाइम होगा तो वो खुद ही कॉल करेगा, ऑनलाइन वेबसाइट पे रेफर करेगा, तो सब कुछ वहाँ पे आजकल ऑनलाइन हो गया, सर सेल्स के लिए डिफिकल्ट हो गया था इसमें। ओके, सिंस अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सेल्स करना जितना पहले डिफिकल्ट था अभी और डिफिकल्ट हो गया। ओके, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, एक्चुअली कंप्लीटली एग्री विद यू। सो आशीष जी, आज की डेट पे अगर आपकी पोजीशन पे कोई है
जो खुद एमएनसी में जॉब खोजने की कोशिश कर रहा है करंटली टू फोन बैंकिंग और वर्किंग इनटू एचडीएफसी, उसके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? उनको मैं ये सजेशन करूंगा कि पहले तो अपना बैंकिंग का वो एक्सपीरियंस ले ले 1 से 2 साल का, क्योंकि जो भी बैंक के नॉर्म्स है डोमेस्टिक बैंकिंग के लिए, तो वो एक बार अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें। उसके बाद अगर ऐसे अगर वो ईमेल की वजह से जॉब सर्च करना चाहते हैं तो पहले तो वो अपना पढ़े कि वो क्यों जानना चाहते हैं ईमेल की वजह से, क्या स्कोप है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या उनको स्टेप्स लेने होंगे, रिज्यूम कैसे बिल्डअप करना है, जो भी बेसिक से नॉलेज है वो गेन करना चाहिए इंटरनेशनल के वजह से, इंटरनेशनल बैंकिंग का, क्योंकि डोमेस्टिक बैंकिंग और जो इंटरनेशनल बैंकिंग है उसमें काफ़ी डिफरेंस रहता है। हमारे डोमेस्टिक बैंक में तो सिंपल जो होता है आपका पैन कार्ड आधार कार्ड का ही होता है केवाईसी वर्क। इंटरनेशनल बैंक में बहुत सारा रहता है, ईमेल का भी जॉब होता है, केवाईसी का होता है, फ्रॉड का भी होता है, ठीक है। तो उसमें काफ़ी कंसेप्ट डिफरेंट होते हैं, वो सारे कंसेप्ट के नॉलेज लेने के बाद ही प्रिपेयर करें इंटरव्यू क्वेश्चंस, और ऑनलाइन कोई भी अपना कर सकते, किसी भी स्पेस भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर चैनल है, बहुत सारे चैनल्स हैं, कोई भी एक चैनल रेफर करके उनके बेसिक से लेकर एडवांस तक करें, नॉलेज गेन करें, उसके बाद ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें कि क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टाइम में, और वेबसाइट से अप्लाई करें, और क्या उसमें जो भी रिजेक्शन हुआ है लास्ट में उसमें क्या कमी रह गई थी जो कि वो आंसर नहीं दे पाए, तो वो एक बार एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद फर्दर फिर नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो मैं इनको ये कहूँगा कि तो जो भी जस्ट टू इसमें रिफ डोमेस्टिक बैंक वर्क कर रहे हैं, हाँ 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 बोलिए बोलिए, प्लीज गो अहेड। तो जो भी अभी एचडीएफसी के किसी भी डोमेस्टिक बैंक में वर्क कर रहे हैं, तो उनको अपना ये है कि इंटरनेशनल के वैसे को कम्प्लीटली नॉलेज गेन करना होगा, उसके बाद ही वो अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। जी, तो इन शॉर्ट आपने ये बोला कि आप रादर दैन गिविंग इंटरव्यूज पहले डोमेस्टिक का थोड़ा नॉलेज लो 1-2 साल कि इंडिया में क्या कॉम्प्लायंस है, उसी हिसाब से आप इंटरनेशनल की पहले तैयारी करो, जानो इंटरनेशनल ईएमएल केवाईसी क्या होता है, फिर जाके आप रिज्यूमे बना के इंटरव्यू दो। डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए मत जाइए, आप वहां पे फंस जाएंगे, तो बेटर आप पहले प्रिपरेशन कीजिए, देन यू शुड गो फॉर इंटरव्यू। और उसके लिए आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं, एक चैनल नहीं बहुत सारे चैनल हैं, ऑनलाइन मटेरियल हैं, आप उनको रेफर करके फ्री में ही आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपने यही बोला क्या आशीष जी? यस राहुल, ठीक है, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन आशीष जी। इट इज रियली आई एम रियली हैप्पी कि हम जैसे बैंक, आप जैसे बैंकर्स एएमएल में अपना कैरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं कि कैसे वो ट्रांसफॉर्म कर पाए। आई एम रियली हैप्पी बिकॉज देखो यार, बैंकिंग से एएमएल में जाना मुश्किल है, इस पर कोई डाउट नहीं, आसान नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग जो खुद पढ़ाई करके ट्राई करते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दैट यू आर सक्सेसफुल टुडे। वरना आपके लेवल पे आज जो भी आपकी कंपनी में पुराने दोस्त है वो श्योर आपको फोन करके पूछते होंगे, भाई तूने कैसे क्या बता, पक्का पूछते होंगे। जब आपका स्टेटस देखते होंगे, जब आप सही टाइम पे ऑफिस से घर आ रहे होंगे, पूछेगा भाई तू इतने जल्दी कैसे आ गया ऑफिस से। ठीक है, तो मैं श्योर हूँ आपके लाइफ में सब चेंज आया होगा। सो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर कंसिस्टेंट एफर्ट एंड योर लेबर। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आशीष जी। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस एएमएल इंटरव्यू सेशन। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू। थैंक यू राहुल।